हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं डेथ क्लेम को लेकर के। दोस्तों, आपने या आपके मित्रों ने या आपके रिश्तेदारों ने कोई ना कोई पॉलिसी जरूर ली होगी लाइफ के ऊपर। अगर टर्म इंश्योरेंस ले रखा है तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप लेने जा रहे हैं टर्म इंश्योरेंस तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो एक चीज समझ लीजिए कि टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम तो बहुत कम जाता है, लेकिन जो इंश्योरेंस अमाउंट होता है वो काफी बड़ा होता है। यानी अगर एग्जांपल के रूप में हम लें कि अगर किसी ने 20,000 रुपए की प्रीमियम सालाना भरी है तो उसका लगभग 1 करोड़ या 1.5 करोड़ के आसपास का इंश्योरेंस होता है प्राइवेट कंपनीज में। अगर हम वही बात करें LIC की, तो LIC में थोड़ा सा प्रीमियम प्राइवेट कंपनी की अपेक्षा ज्यादा है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ टर्म इंश्योरेंस को लेकर के कि टर्म इंश्योरेंस में जो डेथ क्लेम होता है वो किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां सेटल करती हैं। और दोस्तों, कई ऐसी कंपनियां हैं जो सेटल नहीं करती, या तो आपको इंश्योरेंस का पूरा अमाउंट देंगे नॉमिनी को, या फिर सिरे से खारिज कर देंगे कि आपकी ये कमियां थी इंश्योरेंस लेते समय। तो दोस्तों, क्या कमियां नहीं रखनी चाहिए टर्म इंश्योरेंस को लेकर के कि आपने कुछ ऐसी चीजें ना छुपाई हो जिससे क्लेम रिजेक्ट हो। तो दोस्तों, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप जब भी इंश्योरेंस खरीदें तो क्या चीजों का ध्यान रखें फॉर्म भरते समय। अगर आपने फॉर्म सही सही भरा है तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपके नॉमिनी को क्लेम देने से मना नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये अलग टॉपिक है, इसके लिए हम एक नई वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज जो स्कैम चल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इंश्योरेंस की, वो किस तरीके से टर्म इंश्योरेंस को लेकर के सेटलमेंट कर रही हैं कस्टमर के साथ। हाल ही में एक वाक्या सामने आया कि एक शख्स ने से लगभग 50 लाख की इंश्योरेंस टर्म ले रखी थी, और साथ ही 1 करोड़ की किसी से टर्म इंश्योरेंस खरीदी थी। डेथ होने के बाद जब नॉमिनी ने दोनों ही कंपनियों में एप्लीकेशन डाली, किसी ने जो टर्म इंश्योरेंस था वो सारी कागजी कार्रवाई करने के बाद क्लेम जो है नॉमिनी को पूरा पूरा दे दिया। वही बात करें, कंपनी ने कुछ पॉइंट्स निकाल करके क्लेम को अनसेटल करने की कोशिश करी कि आपको क्लेम नहीं मिल सकता। फिर जब दबाव बनाया गया कि पूरी तरीके से क्लेम को दिया है बिना किसी रोक टोक के, तो उस कंपनी ने सेटलमेंट का ऑप्शन रखा पार्टी से, यानी नॉमिनी से, कि आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, आप 25 लाख रुपए में ले लीजिए, वरना आप कोर्ट के चक्कर लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमने ये पॉइंट कोर्ट में दिखा देंगे और आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा कई लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि ये जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो हायर करते हैं ऐसे लोगों को जो कि क्लेम को सेटल कराएं। यानी अगर 1 करोड़ का बीमा है, सम एश्योर्ड है, तो उसको किस तरीके से सेटल कराया जाए कि 20 लाख 25 लाख में निपटारा कर दिया जाए। तो दोस्तों, इस तरीके से सेटलमेंट कराया जाता है, और जो नॉमिनी होता है वो ये सोचता है कि कुछ ना आने से अच्छा है कि कुछ तो मिल रहा है। लेकिन अगर वही पॉइंट को पकड़ के अगर आगे लड़ाई लड़ी जाए तो पूरा का पूरा सेटलमेंट कंपनी को देना पड़ता है, पूरा सम एश्योर देना पड़ता है विदाउट एनी सेटलमेंट। यानी अगर एक कंपनी ने दे दिया है तो वो चीज को लेकर के आप जा सकते हैं कि इस कंपनी ने तो दिया है और ये कंपनी इस तरीके से आनाकानी कर रही है, कोर्ट में जाकर के इंश्योरेंस कंपनी को घसीटा जा सकता है और पूरा पूरा क्लेम लिया जा सकता है। लेकिन कुछ समय जरूर जाता है, क्योंकि कंपनी जो है देना नहीं चाहती पैसे। तो दोस्तों, कई ऐसी सारी चीजें हैं जो कि अगर आप इंश्योरेंस फॉर्म भरते समय नहीं मेंशन करते तो आपको क्लेम में दिक्कत आ सकती है। तो वो जो वीडियो मैं अगली बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि आपको इंश्योरेंस लेते समय, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो चाहे वो नॉर्मल इंश्योरेंस हो, तो इन इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी क्लेम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।